महादेव का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नए पाठ योजना के साथ। आज मैं संस्कृत शिक्षण से संबंधित पाठ योजना पर चर्चा करूँगा। संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत है, अतः भाषा शिक्षण से संबंधित पाठ योजना के समरूप ही संस्कृत की पाठ योजना बनाई जाती है। सर्वप्रथम शिक्षक का नाम, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, कक्षा, कालांश, अवध अंकित किया जाता है। विषय संस्कृत है। मैंने प्रकरण सुभाषितान का चयन किया है। इसके बाद सामान्य उद्देश्य का जिक्र किया जाता है। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में सस्वर वाचन की क्षमता उत्पन्न करना, छात्रों में संस्कृत शब्द भंडार की अभिवृद्धि करना, छात्रों को पद्य की रसानुभूत एवं भावानुभूत करने में सक्षम बनाना, छात्रों में सदाचरण सदचरित्र सुचिता की भावना जागृत करना, इसके सामान्य उद्देश्य हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा की जाती है। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीन तरह के उद्देश्य शामिल किए जाते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र विद्यार्थी के लक्षण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र भावात्मक उद्देश्य में छात्र विद्यार्थी के लक्षणों की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र विद्यार्थी के लक्षणों के बारे में तर्क वितर्क कर सकेंगे। सहायक सामग्री का जिक्र करना भी जरूरी है, जो कि अध्यापक पढ़ाते समय प्रयोग करता है। फिर पूर्व ज्ञान पाठ योजना में अंकित किया जाता है। यहाँ मैं मान लिया हूँ कि विद्यार्थियों को विद्यार्थी के लक्षणों का समान ज्ञान है। पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए प्रस्तावना के प्रश्न की चर्चा की जाती है। जैसा कि हम यहाँ पे अंकित किए हैं, विद्याध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, विद्यार्थी कहाँ पर विद्या ग्रहण करता है, विद्यार्थी क्या लेकर विद्यालय जाता है, विद्यार्थी किससे विद्या ग्रहण करता है, या विद्यार्थी में कौन कौन से लक्षण होते हैं। अंत में समस्यात्मक प्रश्न दिया जाता है। इसके बाद उद्देश्य कथन के माध्यम से प्रकरण स्पष्ट किया जाता है। आज हम लोग विद्यार्थी के प्रमुख लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, निर्धारित विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, इस श्लोक का चयन किया गया है यहाँ पे। तो काग्चेष्टा बको ध्यानम, इस श्लोक की प्रस्तुतिकरण की जाएगी, जिसका आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण एवं आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर अनुकरण वाचन, शिक्षक कतिपय छात्रों से अनुकरण वाचन कराएगा तथा स्वयं उसकी भाषा संबंधी शुद्धियों को शुद्ध करने का प्रयास करेगा। फिर श्यामपट कार्य के अंतर्गत कठिन शब्दों को श्यामपट पर लिखा जाएगा, उसका अर्थ और उसका प्रयोग बताया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर मौन वाचन, छात्रों से मौन वाचन कराया जाएगा। अगले क्रम में बोध प्रश्न शिक्षक छात्रों से करता है, जैसे विद्यार्थी की निगाह कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थी का ध्यान कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी की नींद कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों के ज्ञान का आकलन किया जाता है। लेखन आदेश एवं निरीक्षण कार्य, शिक्षक छात्रों को श्यामपट पर लिखे शब्दों को कॉपी पर लिखने का आदेश देगा तथा कक्षा में घूमकर निरीक्षण का कार्य करेगा। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे, विद्यार्थी का ध्यान किसकी तरह होना चाहिए, विद्यार्थी के कितने लक्षण होने चाहिए, विद्यार्थी को कितना भोजन करना चाहिए इत्यादि। फिर ICT आधारित कार्य भी किया जा सकता है। सुभाषितान से संबंधित चीजों को ICT के माध्यम से प्रदर्शित करके बच्चों को बताया जा सकता है। अंत में गृह कार्य दिया जाता है, सभी बच्चे घर से श्लोक याद करके आएंगे, इस तरह का गृह कार्य। इस तरह से संस्कृत विषय पर आधारित लेसन प्लान प्रस्तुत रहा। अगले वीडियो में फिर हम एक नए लेसन के प्लान के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना